और काफ़ी देर बाद अगला ट्रेन एक्शन मिल रहा है और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। 82:23 के साथ ये है 36 राउंड सर सैयद एक्सप्रेस। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के डाउन साइड पर यानी कराची साइड पर अगला स्टेशन है जंग शाही रेलवे स्टेशन, जबकि अप साइड हैदराबाद साइड पर अगला वर्किंग रेलवे स्टेशन है जिम्पी रेलवे स्टेशन। और यहां पर 4 ट्रैक्स मौजूद हैं, 2 मेन और 2 लूप लाइंस। और प्लेटफार्म की बात करें तो 9 के बराबर है, ट्रेन हाइट के मुताबिक नहीं है, ट्रैक हाइट के मुताबिक है। 1:15 हो रहे हैं और सामने से आ रही है GO40 के साथ एक कोल ट्रेन। है कम होगी फिर। GO40 9031 के साथ ये वाला कोल ट्रेन। फोटोग्राफी हो रही है कैसे आवाज बदली है आखिरी जब आखिरी वैन गुजरी है, क्योंकि इसको व्हीलों में थोड़ा फासला होता है इसलिए। दोस्तों इस वक्त पूरे 2 बज रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक पहाड़ी है, मैं उस पर दोबारा आ गया हूँ और यहाँ से हम कैप्चर करेंगे इस्लामाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को, जिसके साथ जिसकी लीड पर आग HGMU 30 8821 है। और 82:21 के साथ ये थी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, पास हुई है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों इस वक्त 2:40 हो रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर अब बारी है ग्रीन टाइगर की AG 30 60 30 के साथ 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस पास होगी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से, जबकि इसके साथ ही 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस के भी सिग्नल थ्रू हो चुके हैं। देखते हैं इसके पासिंग के दौरान वो आती है या नहीं आती। स्पीड अच्छी लग रही है, वाह साइड की ट्रेन पर भी इंजन की फ्लाइट लाइन का शेड पड़ रहा है। और अब बारी है 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस की, देखते हैं कब तक आती है, सिग्नल थ्रू हो चुके हैं।
तकरीबन 2 मिनट बाद ही जियो 40 के साथ 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है। पहले तो पास हुई थी 44 डाउन 44 और अब बारी है 45 अप की, 44 और ये 45 अप आ रही है जियो 40 के साथ। देखते हैं नंबर कौन सा है जियो 40 का। GU49001 के साथ ये थी 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। स्टेशन पर ही परिंदों के लिए पानी रखा हुआ है, परिंदे अपनी प्यास बुझा रहे हैं वहाँ से, और हम ट्रेन ने कैप्चर कर अपने रेल फेंसिंग की प्यास बुझा रहे हैं। ऐसा हम ऑफिस के बिल्कुल बाहर ये पानी रखा गया है। इस वक्त दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और GU49051 के साथ यूसुफ वाला कॉल ट्रेन एंटर हो रही है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। स्लो इसलिए है कि स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर अभी तक ग्रीन नहीं हुए। और स्टार्टर एडवांस स्टार्टर मिलने के बाद ड्राइवर साहब ने नॉचअप किया है और साथ में वेविंग हैंड भी किया था, जिसे हम सलाम कहते हैं। हमारे सारे दोस्त वीडियो बनाने में मसरूफ। ये थी एक यूसुफ वाला कॉल ट्रेन जो कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से पास हुई है। स्लो हो गई थी, बाद में नॉचिंग अप किया और अच्छी स्पीड में ट्रेन कर ली थी इसने। 4:08 हो रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है। दो कपल इंजन आ रहे हैं, फ्रंट पर GMU15 है KCR वाला। देखते हैं कौन सा 48-19 होगा, 48-19 और 40-20 अच्छी स्पीड में पास हुए हैं भाई। दोस्तों इस वक्त 4:23 हो रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है। और अब जो सामने से ट्रेन आ रही है वो GU40 नंबर, देखते हैं कौन सा है। उसके साथ आ रही है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 आप अलामा इकबाल एक्सप्रेस, पास होगी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। फुल फ्लो में नहीं है लेकिन फ्लो है, ज़्यादा नहीं है। 90-37 जीवा ड्राइवर साहब शुक्रिया। 90-37 के साथ ये थी
नाइन आप अलामा इकबाल एक्सप्रेस, अब अगली बारी होगी 41 आप कराकरम एक्सप्रेस की, देखते हैं कब तक आती है, और अगर कोई फ्रेट आ जाए उसका पता नहीं। इस वक्त 5 बज रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है, और सामने से आ रही है G40 नंबर, देखते हैं कौन सा है, इसके साथ आ रही है 41 आप पास होगी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। 41 अब G40 का नंबर देखते हैं कौन सा है। राशिद भाई कितनी स्पीड में आ रही है? 90-42 9040-42 शाम के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और सामने से आ रही है 8205 के साथ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने वाली ट्रेन 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, और 33 आपके भी सिग्नल हो चुके हैं जिसका एक्शन शायद देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में ही हमने कराची तक जाना है। Down शाह लतीफ एक्सप्रेस के अराइवल के साथ ही आज की वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।